Class 10 English. Today we are going to tell you about the critical summary of the Midnight Visitors by Robert Arthur. I am M.S. Yadav, your English teacher and principal sir. You are watching Principal Sir YouTube channel. बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भी पोएम की या चैप्टर की, जैसे आज हम द मिडनाइट विजिटर आपको उसकी क्रिटिकल समरी बताने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे, सर ये समरी और क्रिटिकल समरी में क्या अंतर होता है? समरी वो होती है बच्चों जिसके अंदर आप इंसिडेंट वाइज, यानी जैसे जैसे घटना घटती है उसकी एक साधारण भाषा में उसकी हिंदी करना। लेकिन क्रिटिकल समरी एक वो चीज होती है जिसमें आलोचना, यानी क्रिटिसाइज, कैसे क्या हुआ, थीम क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से है, क्या प्लॉट डेवलपमेंट है, ये सारी बातें डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 3 है, द मिडनाइट्स विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर, ये आपकी बुक है। जब भी आप हम आपको कुछ कराते हैं, आप अपनी बुक, जिस भी चैप्टर का, जिस भी बुक का कोई भी चैप्टर है, वो बुक सामने रखिए, रजिस्टर हाथ में रखिए, पेन और पेंसिल साथ रखिए। यही प्रिंसिपल सर का पढ़ाने का तरीका है। अब इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। और ये सारी प्रेजेंटेशन आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, उसको देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए और सुनते रहिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। इसके अंदर मुख्य रूप से देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स, तीन मुख्य पात्र हैं। ऑशेबल एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है, वो काफी फैटी है, मोटा है, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी लगता है, वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है फाउलर, फाउलर एक राइटर है जो एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑशेबल से लेने के लिए, एक होटल के रूम में आता है। और जो तीसरा मेन कैरेक्टर है मैक्स, मैक्स भी एक जो ना स्पाई है, सीक्रेट एजेंट है, और वो ऑशेबल का राइवल है, ठीक है, और वो उससे होटल के रूम में आता है और वो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है मिसाइल्स के बारे में उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। अब जैसे अब प्लॉट कैसे डेवलप हुआ, कहाँ ये जो ना इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये है होटल के रूम की बैकग्राउंड है जहाँ मुख्य रूप से दो करेक्टर वहां होते हैं, फाउलर और ओशिबल। द स्टोरी बिगेंस विद फाउलर, कहानी जो ना फाउलर के साथ शुरू होती है जो ओशेबल के साथ एक होटल के रूम में बैठे हैं। फाउलर इज डिसअपॉइंटेड बाय ओशेबल ऑर्डिनरी अपीयरेंस एंड रूटीन। फाउलर एक लेखक है, जैसे वो ओशेबल से मिलता है तो वो उसको लगता है कि ये आदमी सीक्रेट एजेंट है, लगता तो नहीं है सीक्रेट एजेंट, और उसको थोड़ी निराशा होती है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक थ्रिलिंग होगा, एक बहुत ही एक्साइटिंग सीक्रेट एजेंट होगा और उसकी लाइफस्टाइल भी ड्रामेटिक होगी और वो सीक्रेट एजेंट भी ड्रामेटिक होगा, ऐसा फाउलर की आशा थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं और कमरे में एंटर करते ही उनकी उनका सामना मैक्स नाम के एक दूसरे राइवल स्पाई से होता है, सीक्रेट एजेंट से होता है, जिसके हाथ में एक बंदूक है जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। मैक्स डिमांड करता है
पॉसिबल से कि वो न्यू मिसाइल्स की जो फाइल है, सीक्रेट फाइल है, वो उसको दे दी जाए, नहीं तो वो उनको शूट कर देगा। अब पॉसिबल बहुत काम है, कूल है, जैसे उसकी पर्सनालिटी है, इट सीम्स दैट ही इज लेजी, ऐसा लगता है कि वो लेजी है, एंड ही डजंट लुक लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाई सीक्रेट एजेंट जो आमतौर पर हम देखते हैं मूवीज में या स्टोरीज में, कि उनका पहनावा, उनकी लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, लेकिन पॉसिबल की स्टाइल बिल्कुल एक साधारण सी है और वो शरीर से मोटा भी है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही दोनों एंटर करते हैं, फाउलर और पॉसिबल रूम में, मैक्स का सामना होता है जो बंदूक उनके ऊपर तान देता है। अब समस्या सामने है, अब उसको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे साधारण सी परिस्थिति में, लेकिन यहां पॉसिबल की जो ना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड नजर आती है, और पॉसिबल क्या करता है कि वो एक कहानी सुनाता है कि जिस रूम में वो बैठे हैं वो एक बालकोनी से कनेक्ट है, यानी जो विंडो है कमरे की जो आप देख रहे हैं, जिसमें से मैक्स जंप करने का प्रयास करता है और वहां से कूद के वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं कि बालकोनी है, यानी विंडो के साथ आमतौर पर बालकोनी होती है, विच ही क्लेम्स हैज बीन यूज्ड बिफोर सच इंट्रूजन्स, और उसने बताया उसको, मैक्स को, कि वो जो बालकोनी है जो पीछे जिससे आप भागने का प्रयास करेंगे, हो सकता है वहां से भी कोई आया हुआ है और कई बार इस होटल के रूम में वहां से इंट्रूजन हुआ है, जबरदस्ती एंट्री हुई है, ठीक है। और ही एक्सप्रेसेस हिज फ्रस्ट्रेशन टू मैक्स, और वो मैक्स को अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। क्या कहता है कि उसने इसके बारे में ऑलरेडी जो ना मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दी है कि ये जो बालकनी है यहां से कोई भी आ सकता है। क्यों क्यों ये कहानी उसने बताई? उसका ध्यान बटाने के लिए मैक्स का, और क्योंकि मैक्स भी उस बालकनी से नहीं आया था, मैक्स वहां पहले ही उपस्थित था। वो कैसे उपस्थित था इस बारे में कहानी में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन मैक्स को उस बालकनी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो बालकनी वास्तव में विंडो के साथ है या नहीं। उसने पॉसिबल द्वारा बताई गई वो कहानी को ही मान लिया, उसने अपने दिमाग में ये कंप्लीट कंसेप्ट बना लिया, अगर भागना पड़े तो वहां एक बालकोनी है, उस बालकोनी में वो जंप करके नीचे जा सकता है। ये सिर्फ पॉसिबल की बनाई हुई कहानी थी। जब वो कहता है कि उसने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहां से कोई भी अंदर आ जाता है, When there is a knock at the door, फिर अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पॉसिबल कामली मेंशन दैट इट मस्ट बी द पुलिस। पॉसिबल कहता है कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को कंप्लेंट की है, हो सकता है कि पुलिस हो बाहर। पुलिस बाहर दरवाजे को नॉक करती है, ऐसा पॉसिबल ने बड़े प्यार से, शांत से, किसी एक्साइटमेंट के बिना, कोई शक ना करे, ऐसे साधारण से रूप में वो मैक्स को बताई। ही हैड कॉल्ड एडिशनल सिक्योरिटी, ये उसने कहा कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस को बुलाया था क्योंकि मेरे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये सुनते ही मैक्स पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है कि पुलिस आ गई, और वो बालकनी से भागने का प्रयास करता है ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो, पुलिस उसको पकड़ ना ले। जैसे ही वो बालकनी से पहले विंडो है, क्योंकि उसके मन में एक तस्वीर बना दी थी इसने, जो मेन कैरेक्टर पॉसिबल है, कि बाहर एक बालकनी है, तो उसने मान लिया मैक्स ने, हाँ भाई बालकनी है, तो विंडो से कूद के आसानी से कि बालकनी में चला जाऊंगा। ही फास्ट टू हिज डेथ,
और उसकी मौत हो जाती है। क्यों? Why? Since there is no balcony there, वहां कोई बालकनी ही नहीं थी। अब यहां हमें समझ में आता है कि ओशेबल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके अपनी इंटेलिजेंस जो ना वे ऑफ है स्पाइंग का प्रयोग करके एक कहानी बनाई, उसी वक्त एक कहानी बनाई जिससे कि मैक्स उसमें से जंप करे, पुलिस का नाम लेते हैं कि पुलिस दरवाजा खटखटा रही है और वो उसके ट्रैप में फंस गया। और मैक्स उसके ट्रैप में फंसने के कारण वहां बालकोनी तो थी ही नहीं, जैसे वो नीचे कूदा उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नॉकिंग एट द डोर्स, जैसे दरवाजा खटखटाया जा रहा था उससे पहले ही मैक्स कूद गया दरवाजा खुलने से पहले, पुलिस को देखने से पहले, लेकिन कोई भी पुलिस नहीं थी। एक वेटर था जो पीछे आप मेरे जो मूवी चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एक वेटर आता है जो ड्रिंक्स ओशेबल हैड ऑफर्ड अर्लियर, जो ओशेबल ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि ड्रिंक्स ले आए रूम के अंदर। तो फॉलर इज एस्टोनिस्ट, बड़ा हैरान हो गया, ओ दिस इज टू मच, यू आर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर वेरी स्मार्ट। फॉलर फिर कहने लगता है, जो फॉलर शुरू में जब कहानी की शुरुआत होती है तो ओशेबल को एक साधारण आदमी मानता है और उसको मन में ये सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि ओशेबल एक इंटेलिजेंट है, वहां आके उसको उसकी क्लेवरनेस और उसके रिसोर्सफुलनेस का अंदाजा हुआ कि किस प्रकार उसने अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सिचुएशन को हैंडल किया बिना किसी फिजिकल कन्फ्रंटेशन, बिना किसी झगड़े, बिना गोली चले, और पूरी परिस्थिति उनके कंट्रोल में थी। तो इस प्रकार कहानी का एंड होता है। और इसके माध्यम से जो क्रिटिकल एनालिसिस मैंने बताया कि हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं चैप्टर का, इसमें जो थीम है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है, अगर आपके पास पॉसिबल की भांति क्विक थिंकिंग है और काम थिंकिंग है तो आप अपना कार्य सफल कर सकते हैं। दूसरा, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि दिखता कुछ है वो एक मोटा और साधारण आदमी है लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है, वो बहुत स्मार्ट है पॉसिबल। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार वो मैक्स को एक कहानी बता के डिसीव करता है, उसको धोखा देता है, वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की और उसकी जो अपीयरेंस है उस पर ना जाते हुए उसने सिचुएशन को हैंडल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर एक आकर्षक कहानी है जो दर्शाती है कि कैसे बुद्धिमता और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पावर आपको कभी कभी खतरों से बचा सकती है। और इसी प्रकार ओशेबल की क्लेवर हैंडलिंग ने उस सिचुएशन में बिना किसी फिजिकल थ्रेट्स के हैंडल कर लिया और अपनी और जो ना फाउलर का जीवन बचा लिया। फाउलर बट आल्सो शोकेस द ट्रू नेचर ऑफ सक्सेसफुल ट्रू एजेंट। और अंत में हम पाते हैं कि जो आदमी सामने दिखता है वो जरूरी नहीं वैसा ही हो। जब तक हमें उसके कार्यों के बारे में, उसके दिमाग के बारे में जानने का मौका ना मिले, जैसे फाउलर ने भी उसको शुरू में जो ना मिसअंडरस्टूड किया था और अंत में ही एक्सेप्टेड हिज टैलेंट, ही एक्सेप्टेड हिज इंटेलिजेंस, और इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले लेसन्स में हम आपको पूरी
टेक्स्ट पढ़ाएंगे, पूरे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे, थीम कराएंगे, टाइटल कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। बस आप सिर्फ प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल देखते रहिए। यूट्यूब चैनल देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में कामयाब होना है, सीखना है, तो प्रिंसिपल के साथ बातचीत जारी रखनी होगी। उनके साथ आपने कोई भी विचार है वो शेयर करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और सबसे आखिरी में मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने रहें। और जरूरी नहीं कि मैं आपको ठीक तरह से पढ़ाता हूँ, आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।